47 से कम भी आई ना तो महापौर जो है इंशाल्लाह ताला कांग्रेस का होगा, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन कांग्रेस का होगा। एनसीपी ने पहले जो है हमारे 18 नगर सेवकों को पैसे के बल पे तोड़ के लेके गए, हम उनके खिलाफ, हम समाजवादी नहीं है कि हम पार्टी से निकाल दिए, नगर सेवक अपनी जगह कायम रहे। हम उनसे सवाल करेंगे जो सत्ता में मौजूद है, हम उनसे सवाल करेंगे जिनके हाथ में शासन और प्रशासन है, हम उनसे सवाल करेंगे जिनके हाथ में मीडिया है, जिनके हाथ में पुलिस है, हम उनसे सवाल करेंगे जो सवालों से भागते हैं। हम आपको खबरों के पीछे की वो खबर दिखाएंगे जिसे आप है बाखबर, सिर्फ आप देख रही है सत्य आज तक। का धरना आंदोलन जो हमारा था, कई रोज से हमारा चल रहा, तकरीबन एक महीना पहले हमने कमिश्नर साहब को एक लेटर दे के दरख्वास्त की थी कि आपको हम 10-12 दिन का वक्त देते हैं और इसमें कम से कम, नया रोड बारिश है नहीं बना सकते, लेकिन कम से कम खड्डे भरने का काम आप कीजिए। और ये पहला गणपति मैं अपनी लाइफ में 35 साल के राजकीय जीवन में देख रहा हूँ कि पहली गणपति में खड्डे वैसे के वैसे ही रहे और इसी खड्डों के बीच में लोगों ने गणपति जैसा महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्यौहार जो है लोगों ने मनाया, लेकिन उसके बावजूद 8-10-12 दिन कोई भी काम नहीं हुआ। जो खड्डे भरते थे वो मिट्टी में मिला के, कीचड़ में मिला के भरते थे, हमने उनसे फ़ोन करके कहा भी कि इस तरह से मिट्टी कचरे में मिला के अगर आप भरते हो वो सब निकल जाता है और कोई फ़ायदा नहीं, म्यूनसिपल्टी का करोड़ों रुपये इस तरह बर्बाद कर रहे हैं। सर देखिए, कांग्रेस सब किसी को, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे शिवसेना हो, हर किसी को अगर ख़तरा है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी से है। पहली मरतबा, और ये खड्डे जो है आप बोल रहे हो कि पहली मरतबा ऐसा नहीं हुए लेकिन इतनी ख़राब हालत जो है ना, मैं समझता हूँ कि इससे पहले शहर की इतनी ख़राब हालत नहीं थी। आज ये हालत हमारे 18 नगर सेवक जाने के बावजूद सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, 28-29 नगर सेवक आज हमारे इस कॉरपोरेशन में हो ये रहा है। हमारा गुस्सा इस पर भी है कि महापौर जो है या उनके लोग हमारे कॉरपोरेटर जाते हैं, उनका काम नहीं होता है, हालांकि जो जनरल बोर्ड में कोई उसको विरोध नहीं कर पाता, हमारे कॉरपोरेटर का जो ठहराव हुए काम है उस पर महापौर जो है जो लोग गद्दारी करते हैं उनके ठहराव पे सही करती है और जो हमारे नगर सेवक है उनके ठहराव पे दस्तखत नहीं करती, जिसके ज़रिए कि कमिश्नर जो ऑर्डर करके वर्क ऑर्डर इशू करे। इसकी शिकायत हमने ऊपर हमारे प्रदेश अध्यक्ष को की है, हमारे सीनियर मिनिस्टर को की है और हमने उससे कहा कि कमिश्नर को बुला के देखो, आज जो भी काम हो रहा है शहर में, शहर में हमारा जो 2.5 साल में जो काम हुआ है, जो हमने काम पास किया है, जिसकी शुरुआत की है, जो प्रोसेस में है, आज ये एक काम बता दे मैं कि ये 2.5 साल में इन्होंने ये नया काम पास किया और ये काम हो रहा है, वही पीरियड का। ठीक है, प्रोसेस में कुछ 2 साल 2.5 साल 1 साल लगता है, वो प्रोसेस का ही काम आज भी शुरू हो रहा है। सर भिवंडी भाई, तो देखो भिवंडी की जनता कांग्रेस को चाहने वाली है, हमारे 18 नगर सेवक बगावत करें और इसीलिए हमने कोकण डिवीज़न में केस दाखिल किया है। कोकण डिवीज़न भी, कमिश्नर भी किसी न किसी दबाव के तहत उसमें जो आके तारीख दे रहा था, हमारे लोग जो है हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट ने उनको अब निर्देश दे दिया है कि आप 31 दिसंबर से पहले जो है इसका फैसला कर दें और इंशाअल्लाह ताला इस जो मैं वकील भी हूँ, मुझको मालूम है कि इस केस में सिवाय डिसक्वालिफिकेशन के दूसरा कोई फैसला आ नहीं सकता है और इंशाअल्लाह ताला ये दिसंबर दूर की बात है लेकिन उससे पहले ही 18 नगर सेवक के डिसक्वालिफिकेशन का आएगा। हमारा इतना सख्त रवैया लेकर वो कॉरपोरेटर 18 हमारे पास आ रहे थे, वो चाहते थे कि हमको पार्टी माफ़ कर देवे, जो सज़ा हमको देना चाहिए, यहाँ तक के डिसक्वालिफिकेशन होने के बाद भी नगर सेवक जो है उसमें से कुछ हमारे साथ जुड़ना चाहते, अगर ये कड़क डिसीजन जल्दी आ जाता है तो उसमें सबसे बड़ा काम ये होगा कि आगे हम लोग जो कांग्रेस पार्टी से चुन के आएगा वो कांग्रेस पार्टी का और इस शहर का। हमने अपना कार्यक्रम किया और आप लोग अगर उस गेट से जाओगे तो देख लोगे हमारे किसी नौजवान ने जाके काम किया, वो इस गेट के ऊपर पुलिस हमको रोक रही थी, हालांकि हमारे खासदार साहब है, हम हैं पूरी ताकत के साथ, हम बोल रहे थे कि हम अगर गैरकानूनी कर रहे हैं तो हमारे ऊपर केसेस भरिए, हमको अरेस्ट कीजिए। तो हम लोगों ने ऐलान कर दिया है कि यहाँ पे इससे बड़ा आंदोलन, अगर दिवाली से पहले डामर का अच्छा रास्ता अगर पूरे शहर का नहीं बना तो इससे बड़ा आंदोलन जो है भिवंडी शहर में यहाँ पर होगा।